अच्छा नहीं है। दरवाजा खोलो। मांग में लाल सिंदूर और आंखों से खून के आंसू बहाती हुई कौन थी ये लड़की? कम उम्र में शादी के बंधन में बंधी इस नवविवाहित लड़की की जिंदगी क्यों महज एक महीने के भीतर सिसकियों में सिमट गई? आखिर इस लड़की के साथ एक महीने पहले ऐसा क्या हुआ था? कौन था वो आदमी जिसके बारे में उसे ऐसा लगता है कि काश वो उनकी जिंदगी में ना आता? आखिर पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाली इस परिवार के साथ क्या हुआ था एक महीने पहले? ले, लिख दिया मुंडे का नाम मैंने तेरी हथेली पर, और ऐसे लिखा है कि ढूंढते हुए पसीने ना छूट जाए ना, तो मेरा नाम भी कुलविंदर नहीं है। ओ पारो, शक्कर का पानी और नहीं बुलाई है ना? हाँ बेबी ले आई। तो थोड़ी देर बाद लगा गई और हल्के हाथ से लगाई कहीं बिगड़ ना जावे। नहीं बिगड़ेगी, और जो बिगड़ गई तो मेरा नाम भी पारो नहीं। चल बदमाश, अपनी बेबी की नकल उतार दी। अकेले होने के बावजूद भी बड़े अच्छे से संभाला है तेरे कुल ने अपनी बेटी नू। दोनों माँ बेटी कम और सहेलियाँ ज्यादा लगती है, पर तकदीर दुश्मन बन गई है दोनों की। जैसे कल की ही बात हो, जब मैंने खुद अपने हाथों से इसके हाथों पर मेहंदी रचा के विदा किया था, और आज तकदीर की मारी मेरी कुड़ी दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगा रही है। दिन रात मैं वाहिगुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे मरने से पहले कोई आए और इसको भी ब्याह करके ले जाए। बड़ी चिंता लगी रहती है इसकी। तुसी चिंता ना करो पेंची, बाबा जी सब अच्छा करेंगे। सुनो पूछण, हाँ शाजी, ये तेरा डब्बे है, छह लड्डू दे, सात बर्फी दे, लेकर जा। और एक बात ध्यान से सुन, वहां जाकर अपनी नजर इधर उधर मत भटकाना, काम खत्म होते तुरंत वापस आना। शाह जी किसी फिक्र ना करो, मैं पुणे गया और मिठाई पहुंचा कर आया। फिक्र कैसे ना करूं, तेरी आदत से जो परेशान हूँ। जो तूने मेरे से पैसे उधार नहीं लिए होते ना, तो मैं कब से तुझे काम से निकाल देता। और कान खोल कर अब मेरी बात सुन, 10 दिन के अंदर अंदर तूने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो 11वें दिन मैंने तेरा सामान उठा के बाहर फेंक देना कमरे से। गल समझ में आई? शायद ही आप भी ना सवेरे सवेरे शुरू हो जाते हो। मैं मिठाई पहुंचा कर आया, जल्दी जा। जी मैं शाहजी की दुकान से आया हूँ, तेरे मिठाई के डब्बे और ये रही पर्ची। मैंने तो पढ़ना आंदा नहीं, तुसी आप ही दस्तो की लिखा है इसमें। तो कोई नहीं जी, ये 6 डब्बे लड्डू के और ये 7 बर्फी के डब्बे, कुल मिला के हो गए 13 डब्बे। हिसाब देख लो। ठीक है जी, पूरे में आप देख के दे दो। मैंने दुल्हन की माँ ने दिए, पूरे 2000 है। तो मेहंदी लगाते हो आप? हाँ जी। वो जी बड़े सबाब का काम है जी, वो पैसे भी अच्छे मिलते होंगे। पैसे कितने मिल जाते हैं? वो जी क्यों, आपके यहाँ भी किसी की शादी है, किसी को मेहंदी लगवानी होगी? नहीं जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था जी। वो वैसे भूषण नाम है जी मेरा, भूषण। ये 13 ते आज दे 2 मिलाकर हुए पूरे 15। अभी तो और 3 शादियां बाकी है बेबे। इस बार तो बड़ी मेहर हुई है ना बाबा जी की हम पर। बाबा जी के साथ पिंड वालों की भी तो कितनी मेहर है ना हम पर पुत्र, जो हमें बुलाते हैं मेहंदी लगाने वास्ते। वरना और भी तो जनानियां हैं पिंड में मेहंदी लगाने वाली। होंगी, लेकिन मेरे बेबे जैसी मेहंदी के नमूने कोई बनाकर दिखाए तो मानू। सबसे बढ़िया नमूना तो मैंने अब तक बनाया ही नहीं है लाडो, बचा के रखा है तेरे हाथों के वास्ते। इसीलिए तो ये पैसे भी इकट्ठे कर रहे। बस अब इंतजार है तो उस दिन का, जब मैं अपने इन हाथों से तेरे हाथों पे मेहंदी लगाकर
तेरा ब्याह कर सकूं। और तू, तू सारी उम्र मायके पर बोझ बनी रहेगी। बेबी, बेटा कुछ तो सोच अपने बारे में। आदमी के बिना अकेली जनानी की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, तू ये सब जानती है ना? इसलिए मैंने रतन कौर से तेरे लिए रिश्ता ढूंढने की बात की है। तू बीच में कुछ नहीं बोलेगी, समझे? यार बल्ली, एक गल दस, वो मेहंदी वाली के बारे में मैंने तेरे को बताया था ना, उसके बारे में जानता है? ओए बड़ी चंगी जनानी है, और उसके पति को छोड़े कई साल हो गए। छोड़ देता? छोड़ दिया। ओए अब तो सुना है कि उसकी बेबे नया रिश्ता ढूंढ रही है उसके लिए, इस उम्र में रिश्ता ढूंढ रही है। देख लो बीजी, बीए पढ़ा लिखा लड़का है, और मेरे ख्याल से इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और जो भी पूछना हो पूछ लो। रतन, मेरी कुड़ी दे बारे सब कुछ जानते हुए भी ये यहाँ तक आए हैं, इनसे क्या सवाल पूछना? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बाबा जी इन्हें खूब सारी तरक्की और खुशियां दे। बेटा, आपने जो कुछ पूछना है मेरी बेटी से आप पूछ सकते हैं। नहीं बीजी, मुझे तो कुछ नहीं पूछना है, मैंने तो इन्हें पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया था। बीजी मैं आपसे वादा करता हूं कि इन्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब अगर ये मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। वैसे बताना तो इनको है कि ये मेरे नाल ब्याह करना चाहती हैं या नहीं। कुड़ी शर्मा गई, इसका मतलब हाँ है जी। मुबारक हो बीजी, मुबारक हो। तनु भी कुलविंदर और भूषण की शादी तय हो गई। अपनी बेटी का घर फिर से बसाने के उतावलेपन में कुलविंदर की माँ ने ना तो भूषण से कोई सवाल पूछा और ना ही उसके घर परिवार के बारे में जानने की कोशिश की। अपने अकेलेपन से लड़ते हुए अपने घर और अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाती कुलविंदर के मन में तो यह ख्याल भी नहीं आया कि जिस इंसान के हाथ में वो अपनी जिंदगी सौंप रही है उसके बारे में जांच ले, परख ले, कम से कम इस बात का पूरा इत्मीनान कर ले कि वो इंसान वाकई वही है, वैसा ही है जैसा वो दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी के अंधेरे में सहारा तलाशता इंसान सांप को सहारा देने वाली छड़ी समझकर थाम लेता है। यही गलती कुलविंदर ने भी की, जिसकी कीमत उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। जीउंदे रहो, सदा खुश रहो, बाबा जी दी मेहर तुम दोनों पर हमेशा बनी रहे। आओ अंदर आओ। बीजी अब देखिए ना, लड़की शादी होने के बाद विदा होकर अपने पति के घर जाती है और मैं हूं कि यहाँ ससुराल में रहने आ गया। पर करता क्या, घर की मरम्मत कराना भी तो जरूरी था। मेरा वादा है जैसे ही घर की मरम्मत पूरी होगी ना, मैं पहला काम यही करूंगा कि कुलविंदर और पारो को लेकर अपने कार जाऊंगा। कोई गल नहीं पुत्र, ये भी तुम्हारा ही घर है। मैनु पता है तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। भूली नहीं है ना तू अपने पापा जी? भूली तो मैं भी नहीं हूं पुत्र, पर क्या करती, इतना सब कुछ अकेले संभालते संभालते थक गई थी मैं। तेरे ब्याह वास्ते अच्छा मुंडा लपना, तेरा ब्याह करके तेनू तेरे घर भेजना, और जब तू चली जाएगी तो पीछे से मेरा क्या होगा? बस इसीलिए है बे, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है, बस मुझे वो आदमी पसंद नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो दिख रहे हैं वैसे नहीं है। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है, वह मैं तेरे दिल का, जरा खुद सोच,
ऐसा क्या है हमारे पास जिसके लालच में उन्होंने हमसे रिश्ता जोड़ा है? नहीं पुत्र, वो बहुत अच्छी इंसान है, सब ठीक हो जाएगा। ओए भूषण, तू खुश तो है ना? ओए पता था मेरे को वो तू थक गया था उस शाहजी के पास काम करते करते। तो कभी लड्डू बनाओ, कभी मर्ती बनाओ, और वो शाहजी एक चखने के लिए भी नहीं देता था। लेकिन कहते हैं ना भूषण कि हर किसी का टाइम आंदा है, और तेरा टाइम ना आ चुकिया है, और तेरे एक हाथ विच नहीं ओए दोनों हाथ विच लड्डू है। अब तो वही होना है जो तू चाहेगा। ओए चीयर्स ओए। और वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। शादी के बाद भी भूषण अपने नए परिवार को अपने घर ले जाने की बजाय कुलविंदर के मायके में ही रहता रहा। शादी से पहले वो हलवाई की दुकान पर काम किया करता था, जिसे अब उसने छोड़ दिया। अब उसका एक ही काम था, साये की तरह कभी कुलविंदर और कभी पारो के पीछे लगे रहना, और उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहना कि वो कितना अच्छा इंसान है। इतने साल अकेले जिंदगी गुजारने के बाद अचानक मिले भूषण के साथ में कुलविंदर के दिल में कभी ये सवाल नहीं आने दिया कि भूषण उसे सहारा देने के बजाय खुद उसके सहारे पर जिंदगी गुजार रहा है। इस सब के बीच कुलविंदर की बेटी पारो वो अकेली इंसान थी जिस पर अब तक भूषण का जादू नहीं चला था, और जिसे भूषण की कोई भी बात कभी पसंद नहीं आती थी। लेकिन वो जितना भूषण से दूरी बनाए रखने की कोशिश करती, भूषण उसके करीब आने की कोशिश और तेज कर देता। पारू किधर है? आई नहीं खाने पे? अभी आती ही होगी, आप लो ना। आ गई। ओ पारू, तू इतनी दूर क्यों बैठी है? इधर आ मेरे पास बैठ, साथ में खाना खाएंगे। जा बैठ अपने पापा जी को, जा। ओ आ जा पारू। ओ कुल, पारू की प्लेट दू। हाँ ओए पारो पैजा, बैठ भी जा। आजा, वो खड़ी रहेगी क्या? खाना ठंडा हो जाएगा, बैठ जा। बैठ भी जा, आजा। हाँ बड़ी सोनी है, पहला निवाला तू मेरे हाथ से खाएगी बेटा। है खा ली। बड़ी प्यारी है पारो, बहुत अच्छी लड़की है। ओए कुल, वो सारा प्यार तूने ही लुटा देना है पारो के ऊपर। वो मेरा भी तो हक बनता है, मुझे भी तो मौका दे। चल उठ। आओ जी। मैं भी तेल लगाऊंगा इसको। ओए पारो कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है ना? देखना आज नींद बड़ी प्यारी आनी है तेरे को। आखिर भूषण ऐसा क्यों कर रहा था? कुलविंदर और उसकी माँ पर तो उसका जादू चल ही चुका था। दोनों बिना कोई सवाल पूछे उसके मुंह से निकली हर बात को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। फिर अगर पारो उससे दूरी बनाए रखना चाहती थी तो क्या फर्क पड़ता था उसे? आखिर ऐसा कौन सा मकसद था उसका जिसके पूरे होने के लिए उसे पारो की इतनी सख्त जरूरत? और ऐसी कौन सी वजह थी पारो की जो भूषण के इतना कुछ करने के बावजूद भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करने देती थी? क्या बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनकी जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी? या फिर इसके पीछे कोई और कारण था जिसे वो अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी?
कोई मर गया मैं पहली बार तेरे को देखकर, ओए तेरी अदाओं को देखकर। जब से तुझे देखा है सीने में एक आग सी लगी है, देख मेरी तड़प महसूस हो रही है तुझे, कैसे तड़प रहा हूं मैं तेरे लिए। हाँ पर आप यहां? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था। बुजी मैं तो तुम्हें कमलेश लग रही सी। मैं तो बस देखने आया था कि बच्ची ठीक तरीके से सोई है या नहीं। सो जा पुत्र। तो ये था भूषण का असली मकसद जिसके चलते उसने कुलविंदर से शादी की थी। ये था उसका वो घिनौना चेहरा जिसे वो अपनी अच्छाई के नकाब के नीचे छिपाए था। भले ही उसका गंदा मकसद अभी पूरी तरह से पारो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इस घटना के बाद उसे इतना तो महसूस हो चुका था कि भूषण की नजर उसके लिए ठीक नहीं है। ना तो भूषण उसे अपनी बेटी मानता था और ना ही बेटी की तरह देखता था। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी पारो ने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई। पारो को ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपनी इस बात को कहने का कोई ठोस आधार नहीं था, लेकिन उसका ये सोचना गलत था, क्योंकि तर्क संगत बुद्धि के साथ भगवान ने हमें एक और शक्ति दी है जिसे हम इंट्यूशंस या पूर्व आभास भी कहते हैं। यह हमारे दिल की वो आवाज होती है जो हमें पहले ही सचेत करती है किसी आने वाले खतरे के खिलाफ। और इस तरह के मामलों में हर लड़की को अपने इंट्यूशंस, अपने दिल की आवाज को न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि बेझिझक घर के बड़ों से अपनी परेशानी को बांटना चाहिए। लेकिन अफसोस पारो ने ऐसा नहीं किया। और कितनी कोशिश की तूने मुझसे दूर जाने की, लेकिन देख देख मैंने तुझे पा ही लिया। अब बच के कहां जाएगी मुझसे? आ जा। क्या हुआ भूषण जी? भूषण जी कोई सपना देखा आपने? कुछ नहीं, थोड़ा सिर में दर्द है। तुसी दस दिन दे मैनू तो मैं दबा देंदी सी। सुनिए जी। हाँ जी। एक गल करनी सी आपसे पारो के बारे में। पारो? पारो के बारे में? हाँ जी, साड़ी पारो है ना बड़ी होशियार कुड़ी है, पढ़ाई का बड़ा शौक है उसे। तो मैं सोच रही थी कि आपने तो इतनी पढ़ाई की हुई है, तो अगर रोज शाम को आप थोड़ी देर उसे घर पर पढ़ा देते तो। ओए फुल, तू भी ना कमाल करती है। वो ये कोई पूछने वाली बात है? मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि ये ख्याल मेरे को पहले क्यों नहीं आया। वो कोई नहीं, मैं कल से ही उसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है? ठीक है जी, तुसे सो जाओ हुन। तुम्हारा लख लख शुक्रिया बाबा जी, जो आपने भूषण जी जैसे इंसान को मेरी जिंदगी में भेजा। बस भी कर, अब कितनी पढ़ाई करेगी तू? कुछ मेरे साथ बात कर, कुछ अपनी कह, कुछ मेरे दिल की सुन। वो चाहता हूं मैं तुझे, समझ रही है ना तू मैं क्या कह रहा हूं? बिजी बुला रही है। ओए सुन, बैठ। कोई गल की है? बिना आवाज के ही
आवाज सुनाई दे जाती है तेरे को, और ये जो मेरा दिल है हा? इसकी आवाज नहीं सुनाई देती। तू ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं पढ़ना इनसे, मुझे नहीं पढ़ना इनसे। की गल है पुत्र, की गल है? वो कुछ नहीं कुल, वो पढ़ाते वक्त मैंने इसको थोड़ा सा डांट क्या दिया, इसने तो रोना शुरू कर दिया। वो पारो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ना मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा। सच्ची चाहे ना तो तू ही मेरे को डांट लेना, ठीक है? लेकिन रोना नहीं यार, तेरे आंसू ना मुझसे देखे नहीं जाते। तू तो जानती है ना कि कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे। ए की कह रहे हो तुसी? तुसी बाप हो इससे, इतना प्यार कर दे हो तो डांटने का हक भी तो बनता है ना आपका। और पारो कुने मास्टर जी भी तो डांट देते हैं ना कभी कभी, जो इन्होंने डांट दिया तब की होया? बस अब पोंछे आंसू और पढ़ाई कर दे लगाकर, चल। मैं नहीं पढ़ूंगी इनसे, नहीं पढ़ूंगी। मैं देखती हूँ। बेबी मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना उनसे और ना ही उनसे बात करनी है। अब तक नाराज है तू उस बात पे? अरे डांट दिया सो डांट दिया, भूल जा उस बात को और मन लगाकर पढ़ाई कर। जो तू भी मन लगाकर पढ़ाई करेगी तो वो क्यों डांटेंगे तुझे? आखिर पापा जी हैं वो तेरे, कोई दुश्मन थोड़े ही ना है। ओए कुल, कुल की होया जी? ए देख पेपर दे विच की आया। क्या की है? ओए आधार कार्ड, उस सरकार ने आधार कार्ड बनाना शुरू कर दिया है, आने वाले समय में ये सबसे जरूरी कार्ड होगा। आधार कार्ड? वो क्यों होता है? तो जिस तरह राशन कार्ड होता है ना, ठीक उसी तरह से ये आधार कार्ड होगा। वो इसमें बंदे की फोटो और उसकी सारी जानकारी लिखी होगी, वो बस यूं समझ ले कि ये उसका पहचान पत्र होगा। इसके बिना कोई भी काम नहीं होगा। अब अपना तो ठीक है, कभी भी बना लेंगे, लेकिन पारो तो अब पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई के लिए ये सबसे जरूरी कार्ड है, के बिना पारो की पढ़ाई नहीं होने वाली। क्या बोलती है जी? तुसी तो इन्ने पढ़े लिखे हो, सब जानते हो, जे तुहानू लगता है कि पारो वास्ते ये कार्ड बनाना जरूरी है ते बनवा लेंदे आ, किथे बनता है जी, की करना होगा? अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बच्चे का कार्ड उसी पिंड के शहर में बनता है जिस पिंड का उसका पिता हुआ। अब मैं तो हरियाणा से हूँ, तो पारो का कार्ड भी हरियाणा में ही बनेगा, इसलिए पारो को लेकर मुझे हरियाणा जाना पड़ेगा। अब वहाँ ऑफिस के 100 चक्कर काटो, 1000 फॉर्म भरो, बहुत तकलीफें हैं, लेकिन अपनी बच्ची है, अब उसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अगर तू कहे तो मैं आज ही पारो को लेकर हरियाणा चले जाता हूँ, क्या कहती है? ठीक है जी, मैं तैयारी कर ली हूँ। पुत्र ध्यान डाल जाई। हाँ जी, सही कहा था भूषण ने, आधार कार्ड बनवाना भारत के हर नागरिक के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये कार्ड उस शहर या उस गांव में बनवाना होता है जहां आप रहते हैं, ना कि उस जगह जहां आपके पिता दादा या परदादा रहा करते थे। और इस कार्ड को बनवाने के लिए किसी भी दफ्तर के कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बस सरकार के निर्धारित किए दफ्तर में जाना होता है, वहां उपस्थित कर्मचारी आपको कार्ड बनाने की प्रक्रिया में आपकी सहायता करते हैं। लेकिन किसी भी इंसान का पढ़ा लिखा ना होना या उसके आसपास हो रही घटनाओं या बदलावों के बारे में जागरूक ना होना, ये वो सबसे बड़ी कमी है जिनका फायदा उठाकर बेईमान किस्म के लोग अपने गलत मकसदों को अंजाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह भूषण ने कुलविंदर के पढ़े लिखे ना होने और जागरूक ना होने का इस्तेमाल किया, लेकिन वो मकसद क्या था ये भूषण के सिवा और कोई नहीं जानता था। कुल मैं क्या बताऊं, वो लोग तीन थे और मैं अकेला, फिर भी मैंने बहुत मुकाबला किया, लेकिन उनके सामने मैं कमजोर पड़ गया और उन लोगों ने पारो को अपने
कब्जे में कर लिया। ए पुत्र तू की कह रही है? तेनू मेरी बच्ची चाहिए, कितने मेरी बच्ची, मेरी बच्ची लाके दो। देखो जी, ये घटना हरियाणा में हुई है, तो इस पर कार्रवाई भी हरियाणा पुलिस ही कर पाएगी। आप लोगों उत्थे जाके ही रिपोर्ट लिखानी होगी। हाँ, बाकी उन लोगों से मैं कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये पैसे जोड़े थे मैंने, तुसी इन्हां नूं रख लो, उसे ढूंढने में काम आएगी। बिल्कुल, तू फिक्र ना करी, बहुत जल्द हमारी पारो हमको मिल जाएगी। चल मैं चल रहा। कुलविंदर की सारी जमा पूंजी लेकर पारो की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने और खुद उसकी तलाश करने का वादा करके भूषण हरियाणा के लिए रवाना होगी। कुलविंदर के लिए उसकी बेटी से जुड़ी किसी भी खबर के इंतजार का एक एक दिन एक एक साल की तरह बीत रहा था। कुछ दिनों तक तो भूषण उसे फोन किया करता था ये बताने के लिए कि किस तरह पारो को ढूंढने के लिए वो जमीन आसमान एक किए हुए हैं। वो कुलविंदर की हिम्मत बांधता था, उसे यकीन दिलाता था कि चाहे जो हो जाए वो पारो को ढूंढ कर ही रहेगा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद भूषण के फोन आने तक बंद हो गए। उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, जो फिर कभी ऑन नहीं हुआ। कुलविंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या, जाए तो कहां। जिंदगी में कुछ ही बार वो अपने पिंड से बाहर निकली थी, उसे तो भूषण का पता भी नहीं पता था। ऐसे में उसकी मदद के लिए आगे आई रतन कौर, वो महिला जिसने उसका और भूषण का रिश्ता करवाया था। रतन हरियाणा में कई लोगों को जानती थी, इसलिए उसने रतन से विनती की कि वो उसे हरियाणा ले चले ताकि वो अपनी बेटी पारो और अपने पति भूषण को ढूंढ सके। और रतन की मदद से कुलविंदर अपनी बेटी और अपने पति को ढूंढने हरियाणा जा पहुंची, ऐसी जगह जहां ना वो किसी को जानती थी ना पहचानती थी। वो अगर कुछ जानती थी तो सिर्फ उस तहसील का नाम जहां भूषण पारो को आधार कार्ड बनवाने उसे लेकर गया था। किसी तरह लोगों से पूछती हुई पहले वो उस तहसील के पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसे जो कुछ पता चला उसने उसकी उलझन और चिंता को और बढ़ा दिया। पुलिस ने उसे बताया कि उनके पास पारो नाम की किसी लड़की के अपहरण की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और ना ही वो भूषण नाम के किसी आदमी को जानते थे। अब कुलविंदर के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो फिर से अपने पिंड लौट जाए और इंतजार करे भूषण के फोन का, क्योंकि अब वही था जो इस उलझी हुई पहेली को सुलझा सकता था। की हो गया फोन, मरे नु ही अजी खराब होना सी। चाय जी, भूषण काका का फोन आया था दुकान पर, वो बोले कि फिर से फोन करेंगे। भूषण जी का फोन? भूषण जी कितने हो तुसी? इन्ने दिन हो गए, तुसी फोन भी नहीं किता, पारो दी कोई खबर भी नहीं दिती। वो हरियाणा में पुलिस वाले कह रहे थे कि कुल, मैं रोज सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में बैठा रहता हूँ। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बहुत जल्द पारो हमको मिल जाएगी। हेलो हेलो भूषण जी, वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो भूषण जी, भूषण जी, पुलिस वाले कुछ और कह रहे हैं और भूषण जी कुछ और, पर भूषण जी झूठ तो नहीं बोल सकते। शायद उन्होंने किसी और थाने में रपट लिखाई होगी। एक बार फिर से फोन मिला दिया। फोन बंद आ रहे, की करा, कहां से पता लगा वो? हाँ बीबी, भूषण मेरे ही इत्थे काम करता था, पर मेरे को तो सिर्फ इतना ही पता है कि वो हरियाणा में किसी जगह का रहने वाला है, इससे आगे तो मुझे नहीं पता। मेरी बच्ची दी जिंदगी दा सवाल है,
याद करने की कोशिश कीजिए, शायद शायद कुछ याद आ जाए। हाँ बीबी, मेरा एक नौकर है, उसकी और पोषण की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, शायद उससे कुछ पता चल जाए। बल्ले वो परजाई जी कई बार बातों बातों में वो हरियाणा के किसी बिलादी गांव का नाम लिया करता था, वो कहता था कि वही उसका घर है, बस मैनू इतना ही पता है। बिलादी? पर भूषण जी ने तो कुछ और नाम बताया था अपने गांव का। वो राजी याद कीजिए, शायद उन्होंने कुछ और भी बताया हो। मैनू बस इतना ही पता है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरा नाम कुलविंदर है जी, मैं पंजाब तो आई हूँ भूषण जी से मिलने। यहीं के रहने वाले हैं जी वो, अगर आप उनके घर तक पहुंचा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। भूषण? पर वो तो यहाँ है ही नहीं, उसके दर में तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा है? कितने गए हैं जी, कहाँ मिलेंगे? पहले तो तू ये बता, तू है कौन और क्यों भूषण के बारे में इतने सारे सवाल कर रही है? मैंने आपको कहा है ना जी, मैं कुलविंदर हूं, भूषण जी की पत्नी। क्यों हो या जी, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे तू क्यों झूठ बोल रही है, तू भूषण की पत्नी कैसे हो सकती है? अरे कुछ दिन पहले जब भूषण गांव में आया था तो उसकी लुगाई उसके साथ थी। क्या? और जब वो गया था तब भी लुगाई उसके साथ गई? नहीं, नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? तने शर्म नहीं आ रही है? इस उम्र में तू किसी और के पति को अपना पति बता रही है? क्या कह रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पत्नी हूँ भूषण जी की, कुलविंदर। एक महीना पहले ही तो हमने गुरुद्वारे में शादी की है जी। अच्छा शादी की गुरुद्वारे में? अरे चलो रे चलो, अपना काम करो, क्यों झूठ बोल रही है, चलो। नहीं जी। मैनू पता है भूषण जी मेरे नाल इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते, नहीं दे सकते वो धोखा मैनू, कदे नहीं। साहब जी, मैंने रपट लिखानी है अपने पति के खिलाफ। कोई अपने पति के खिलाफ? बैठ। गल की है बीबी, ये मामला क्या है? एक महीना पहले मेरा ब्याह हुआ था जी, भूषण नाम के आदमी के साथ। तो ये है भूषण तेरा पति? हाँ। पर ये लड़की कौन है इसके साथ? ओ ये मेरी कुड़ी है जी, पारो। पर अभी तो तूने बताया इसकी शादी नहीं हुई, पर इस फोटो में तो उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। मैंने आपसे सच कहा था जी साहब जी, मेरी बेटी का ब्याह नहीं हुआ है अब तक, और ये सिंदूर कैसे आ गया उसकी मांग में मैंने नहीं पता। वो फोटो में ना भूषण है उसके साथ, उसी को पता होगा सबके बारे में। साहब जी आप ढूंढो ना भूषण को, उसी को पता होगा मेरी ती का है। बीबी तेरी बेटी की मांग में सिंदूर भूषण ने भरा है, ये है मेरी सर्टिफिकेट यानी के शादी का प्रमाण पत्र, इसमें दूल्हे की जगह भूषण का नाम है और दुल्हन की जगह पारो का, यानी भूषण ने तेरी बेटी से शादी कर ली है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे वो आदमी पसंद नहीं। क्यों है पुत्र? क्यों है? बीबी मुझे नहीं पढ़ना इनसे, मुझे नहीं पढ़ना इनसे। क्यों नहीं मानी मैंने तेरी बात पारो, क्यों किया उस पे भरोसा, क्यों क्यों? नहीं, यहां सुबह आने का वक्त नहीं है।
मुझे उस राक्षस के चुंगल से अपने पारो को बचाना है। वीर जी, मैंनू पता है आप उस दिन मुझसे कुछ छुपा रहे थे। दसो की छुपा रहे थी तुसी उस दिन? क्या छुपाऊंगा मैं आपसे? मुझ पर रहम नहीं आता, तो कम से कम मेरी बेटी पर तो रहम खाइए प्राजी। वो जलाद के कब्जे में फंसी हुई है, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा उसके साथ। आपकी भी तो कोई बहन होगी ना, कोई उसे उठा के ले जाए, जबरदस्ती उसके साथ ब्याह कर ले और बाद में उसके साथ मुंह काला करके। बस जाए जी, बस। मैं अपनी बहन भी सौ खाकर कहना हूँ, मैंने सच में नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन अपने पिंड से कुछ किलोमीटर दूर जालंधर हाईवे पर एक परमिंदर लॉज है। भूषण अक्सर उठे जाया करता था। परमिंदर लॉज? वो कौन है? कुलविंदर, तू पुलिस के नाल? ओए पारो किथे है? बेबे चल उधर, तू भी इन्हें बचा ले बेबे। रात में मुझे बहुत दंग किया बेबे, मुझे बहुत मारा, कितना गिड़गिड़ाई। जबरदस्ती मेरे भाग में से दूर भागती है। सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। जब मैंने पारो को पहली बार देखा था ना, तभी वो मेरे दिल में बस गई थी। और मैं जानता था जी कि मेरा उसके साथ ब्याह नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कुलविंदर से शादी कर ली। मैंने सोचा कि एक बार मैं घर में आ जाऊंगा, उसके बाद में मैं पारो को अपने करीब कर लूंगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला, तो मैंने उंगली टेढ़ी कर दी, पारो को अपने साथ हरियाणा लेकर आ गया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बेबे के पास ले जाओ। बेबे के पास जाना है तुझे? 16 साल रही ना उसके पास, फिर भी दिल नहीं भरा तेरा। कितना दूर भागती थी तू मुझसे, जब भी तेरे पास में आता था हाथ भी लगाने नहीं देती। अब भाग कर कहाँ जाएगी? अनजान शहर है, जाएगी तो जाएगी कहाँ? ये ले लाल जोड़ा ब्याह का। अब तेरे को मेरे साथ ब्याह करना ही पड़ेगा। प्यार से पहन ले, नहीं तो मुझे पहनाना भी आता है। एक मिनट भी ले नहीं सोचा, तेरी बेटी हो। बीबी तू बड़ी बहादुरी दिखाई है, अपनी बच्ची को बचाने के वास्ते क्या क्या नहीं किया। इतनी हिम्मत तो शायद कोई मर्द भी नहीं दिखा सकता था। तूने तो एक मिसाल कायम कर दी, ताकि इन जैसे मर्दों को पता चले कि जिनानियों के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। कुलविंदर के परिवार को सरकार ने 50,000 रुपए का मुआवजा भी दिया। कुलविंदर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो भी किया वो काबिले तारीफ था। अक्सर कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन क्यों हम हमेशा सिर्फ एक भले अंत से खुश और संतुष्ट हो जाते हैं? क्यों नहीं बात करते उस शुरुआत के बारे में, जहां से जुर्म और अन्याय से जुड़ी इस तरह की कहानियां शुरू होती हैं? क्यों नहीं सोचते हम उस विज्ञान या उन तथ्यों के बारे में जो इस तरह की कहानी में एक से होते हैं? जब हम बात करते हैं इस तरह की किसी भी परिस्थिति का सामना करने की, तो सिर्फ एक ही ताकत हमारा साथ दे सकती है, हमें जिता सकती है, हमारी रक्षा कर सकती है। वो है हमारे मन की ताकत, हमारा आत्मविश्वास, ज्ञान, हमारे आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी, खुद के प्रति जिम्मेदारी की भावना, दूसरों से ज्यादा खुद पर यकीन करना। ये वो बातें हैं जो हमारे मन की ताकत को, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। तो बढ़ाइए अपने मन की ताकत को, अपने आत्मविश्वास को, और चौकन्ने रहिए, ताकि ऐसी घिनौनी साजिशों को अपना आकार लेने से पहले ही खत्म किया जा सके। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।